नमस्कार दोस्तों, तो कैसी है मेरी पहाड़ी यूट्यूब फैमिली। सबसे पहले आपको पहाड़ों की इन खूबसूरत वादियों से प्यार भरी गुड मॉर्निंग। कल रात को हुई है बारिश और मौसम सुबह के टाइम में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, थोड़ा ठंडा है। ये देखिए बारिश हुई है, खेत जो जुताई हुई थी जिन खेतों में, अभी भरपूर नमी इनमें दिख रही है। तो शुरू करते हैं अपना दिन और शुरू करते हैं अपना ब्लॉग। तो जो कल हमारी रजिस्ट्री थी वो करना है मेन काम पहले, तो उस काम को देखते हैं। तो शुरू करते हैं अपना ब्लॉग। दोस्तों आज बढ़िया फील हो रहा है, मौसम देखिए काफ़ी बेहतरीन नज़र आ रहा है। आज सुबह के टाइम में बढ़िया धूप खिली हुई है और रात को थोड़ी बहुत बारिश भी हुई है जो मैंने आपको सुबह दिखाया, तो उसकी वजह से भी थोड़ा ठंडा फील हो रहा है अभी सुबह के टाइम में। बाकी वेदर काफ़ी अच्छा है आज और काफ़ी शांति अभी महसूस हो रही है। धूप अभी अच्छी आ रही है सुबह के टाइम में, तो निकलता हूँ मैं भी, ये मेरी दूध की बाल्टी है। तो चलते हैं यहाँ से सेलेक्ट की तरफ। तो दोस्तों जो कल काम रह गया था वो आज कंप्लीट होगा। मैं पहुँच चुका हूँ तहसील में, सामने हमारी धारी तहसील। कल थोड़ा पटवारी के काम में लेट हो गया, इस चक्कर में डिले होगी रजिस्ट्री, तो आज होगी। और सामने है धारी मार्केट जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, और सामने रही ओनर की गाड़ी, ओनर भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और इसके बाद निकलना है रजिस्ट्री जल्दी करके हल्द्वानी को, हम भी हल्द्वानी को ही निकलने वाले हैं, तो लैंड ओनर भी पहुँच जाते हैं, तो उसके बाद होगी रजिस्ट्री। लगे हुए हैं बादल, देखिए पूरे आसमान में बादल हैं। कल रात भी बारिश हुई है तो मौसम काफ़ी प्यारा सुहावना मौसम बना हुआ है। दोस्तों हम कर रहे हैं लैंड ओनर के वेट और बाकी तो सब आ चुके हैं, और सामने हो रही है रजिस्ट्री तैयार, यानी कि जितने भी डॉक्यूमेंट लगते हैं उनका काम हो रहा है। दोस्तों जहां पर अभी आपको दिखा वहां पर हो रही है रजिस्ट्री टाइप, तो रजिस्ट्री टाइप हो जाती है, उसके बाद रजिस्ट्री आज हो जाएगी। कल थोड़ा लेट हो गया, मूड भी ख़राब हो गया, लेकिन आज काम हो जाएगा। तो उसके बाद हमें भी निकलना है हल्द्वानी पे, ओनर के साथ जा रहे हैं जो लैंड ओनर हैं उन्हीं के साथ निकलते हैं हल्द्वानी तक। वहाँ थोड़ा काम है और आपको दिखाऊंगा क्या काम है, और हल्द्वानी आपको घुमा के लाऊंगा, तो ब्लॉग में बने रहिएगा। अभी आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पे क्या होता है, रजिस्ट्री किस प्रकार होती है यहाँ पे। तो चलिए, तो वहाँ पर काम हो रहा है, मैं दूसरी तरफ आ गया हूँ। यहाँ व्यू मस्त आ रहा था, तो काफ़ी शानदार व्यू आ रहा था इधर से, मैंने सोचा आपके साथ व्यू शेयर कर लूँ। तो वहाँ पर काम हो रहा है, तो हैं 20-25 मिनट, ओनर भी पहुँच जाते हैं तब तक। देखिए काफ़ी शानदार नज़ारे आ रहे हैं, और सामने में पेड़ काफ़ी मस्त लग रहा है जिसमें फूल आए हुए हैं। फागुन का महीना है और काफ़ी बेहतरीन नज़ारे आजकल देखने को मिलते हैं यहाँ पे, सभी जगह पेड़ पौधों में फूल फूल आने स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे बुरांस के फूल आ रहे हैं आजकल। और इन पेड़ों पे देखिए ऊपर टॉप में है सरना गांव, तो नज़ारे काफ़ी शानदार आ रहे हैं। तो दोस्तों फाइनली सभी लोग आ चुके हैं और मैं भी आ गया जहाँ पर हमारी रजिस्ट्री हो रही है। अब रजिस्ट्री में मेन वही लगता है, पटवारी जी ने आपकी ज़मीन नापी हो, सही उसकी नाप हो, उसका सही प्रारूप बना हो, उसकी सही खतौनी हो, और पटवारी जी के हाथ का एक नक्शा होता है। ये सारी चीज़ें जो मेन होती हैं, जो डॉक्यूमेंट लगते हैं रजिस्ट्री में, ये सब क्लियर होनी चाहिए, तो आराम से रजिस्ट्री हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आधार कार्ड पैन कार्ड वो तो लगता ही है। तो दोस्तों यहाँ पे तो बारिश शुरू हो चुकी है हल्की दुल्की, और जो नीचे आप घर देख रहे हैं लेंटा वाला, तो वहाँ पर होती है रजिस्ट्री। अलग ही मौसम होता है पहाड़ों का, और सामने छत पर बहुत से कबूतर आए हुए हैं, और ऊपर की साइड देखिए धूप आ रखी है, और ऊपर पहाड़ों पे देखिए बढ़िया धूप आ रखी है। तो यहाँ पर हो रही है बारिश, पहाड़ों का मौसम भी समझ में नहीं आता, कहीं पर कुछ कहीं पर कुछ, और कबूतर यहाँ पर मस्त आए हुए हैं छत पे, देखिए बारिश में का मज़ा ले रहे हैं, भीग रहे हैं मस्त आराम से। कहीं पर कैसा ही माहौल बना हुआ है तो कहीं पर कैसा ही मौसम बना हुआ है। तो हमारा भी काम लगभग हो ही गया है, तो रजिस्ट्री होती है, नीचे होने वाली है रजिस्ट्री, तो अभी आपको दिखाएंगे। दोस्तों हमारे सब काम निपट गए, चलते हैं नीचे रजिस्ट्रार ऑफिस पर, और अब हो जाएगी रजिस्ट्री। तो सभी लोग जाने लगे हैं नीचे, तो हम भी चलते हैं रजिस्ट्रार ऑफिस पे। अब देखता हूँ वहाँ पर फोटो वीडियो लेने देते ही नहीं, तभी आपके पास शेयर करूँगा। सामने है रजिस्ट्रार ऑफिस, तो रजिस्ट्री हो जाती है, मेन ऐसी कोई दिक्कत नहीं रहती है। मेन आपका पटवारी जी होता है, अगर आप पहाड़ों में ज़मीन ले रहे हैं तो पटवारी अगर क्लियर चीज़ें करके दे रहा है सारी, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। बिना पटवारी के रजिस्ट्री हो पाना काफ़ी मुश्किल रहता है, तो मैं देखता हूँ अगर मेरे को फुटेज मिलती है तो आपके साथ शेयर करूँगा। फाइनली दोस्तों रजिस्ट्री हो चुकी है, लगभग अभी दोपहर का 1:30 बज रहा है, काफ़ी समय लग गया, लगभग 4 घंटे लग गए हमारे भी कागजी कार्रवाई इधर उधर बहुत सी चीज़ों में। आप लोग सोचते हो कि जल्दी हो जाएं चीज़ें, लेकिन पहाड़ों में ऐसा होता नहीं है, काफ़ी हर कोई सिचुएशन देखनी पड़ती है। तो फाइनली रजिस्ट्री हो चुकी है और अब निकलेंगे हम भी हल्द्वानी के लिए ओनर के साथ ही, और हल्द्वानी थोड़ा काम भी है, और आपको हल्द्वानी के नज़ारे भी दिखाऊँगा।
और वहाँ की फ़ोटो वीडियो में आपको दे नहीं पाए क्योंकि वो खुद मना कर रहे थे, क्योंकि अंदर काम हो रहा था वहाँ पे, तो अंदर फ़ोटो वीडियो ले नहीं सकते, नहीं तो मैं आपके साथ शेयर करता कि कैसे काम होता है यहाँ पे। दोस्तों फाइनली सारे काम निपटा के हम लोग जाने लगे हैं हल्द्वानी की तरफ, ऑनर भी हैं साथ में। अभी मैं बैठा हुआ हूँ, पीछे अगर आगे होता तो आपको सामने के नज़ारे दिखाता, बट क्या करें अभी सिचुएशन जो है, रजिस्ट्री तो हमारी होगी और साथ में ऑनर को भी निकलना था जल्दी, क्योंकि घर पहुँचना है, लंबा सफ़र है। तो काम सारे हो गए हैं तो आप शांति से चलते हैं हल्द्वानी, और वहाँ क्या काम हमने करना है मेन वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो हल्द्वानी पहुँच जाते हैं, उसके बाद आपसे बातें करता हूँ। तो दोस्तों पहुंच चुके हैं हम हल्द्वानी, शाम के 4 बज रहे हैं अभी, और शहरों में माहौल देखिए पता ही नहीं चलता कि शाम के 4 बज रहे हैं, बस वही भीड़ भाड़ ट्रैफिक ये वो। तो हमारा जो मेन काम यहाँ पे था, तो हमने यहाँ पे गाड़ी दी हुई थी, दीपक भाई आया था 3 दिन पहले यहाँ पे, तो उसने सारा काम करवा लिया है, थोड़ा बहुत काम था गाड़ी पे। तो ये देखें गाड़ी हमारी बिल्कुल रेडी है, हम हैं अभी मारुति सुजुकी एरिना शोरूम के बाहर। तो काम लगभग ख़त्म हो गए हैं, दीपक भाई ने 3 दिन में रहकर यहाँ पे सारे काम करवा लिए। तो एक काम तो ये था, हमने गाड़ी लेनी थी, और एक काम हमारे और हैं कंस्ट्रक्शन रिलेटिव, एक दो काम वो निपटाने हैं। तो काम निपटाते हैं, यहाँ से भी लगभग हमारा काम हो गया है, तो निकलते हैं मार्केट की तरफ। तो दोस्तों फाइनली हम रुक गए हैं यहाँ पे, हमारा एक फेवरेट रेस्टोरेंट है यहाँ पे चस्का, तो यहीं पर हम खाना खाते हैं जब भी हल्द्वानी आते हैं। और गाड़ी हमने ले ली, तो सारे काम निपटा दिए हमने हल्द्वानी के जो भी काम थे, अब यहाँ से निकलते हैं खाना खा के। सुबह से खाना नहीं खाया है, भूख से हालत ख़राब हो गई है, तो खाना वाना खा के निकलते हैं घर की तरफ, पहाड़ों की तरफ, यानी कि 1.5-2 घंटा और लग जाएगा। तो फाइनली दोस्तों यहाँ से निकलने लगे हैं, लगभग 1/2 घंटा लग गया हमें खाना खाने में, और घर के लिए भी इसे पैक करा के ले जा रहे हैं खाना, और साथ में दीपू भाई कर रहा है हमारा ड्राइव। बहुत दिनों के बाद मिल रहा है आपको, भी बहुत दिनों के बाद देखने को मिल रहा होगा। तो दीपू भाई कर रहा है गाड़ी स्टार्ट, तो निकलते हैं यहाँ से, लगभग 1.5 घंटा लगेगा हमें घर पहुँचते। अभी ईंटों वाले के पास भी जाना है, घर के लिए ईंटें सेलेक्ट करनी है, तो ईंटों के पास पहुँचते हैं, और एक ही काम बचा हुआ है हमारा, उसके बाद निकलेंगे घर को सीधे। तो दोस्तों वहाँ से हम निकल चुके हैं, अब जाना है हमने नैनी ट्रेडर से, एक शॉप है जहाँ पर हमने ईंटें सेलेक्ट करनी है। बाकी आप देखें नज़ारे हल्द्वानी के रात के, शहरों का तो वही सीन है, क्या दिन क्या रात, फील ही नहीं होता एकदम, भीड़ भाड़ उसी में सारा दिन रात एक चला जाता है। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं वहां पर जहां पर मैंने आपको बताया कि घर के लिए ईंटें सेलेक्ट करनी है, तो यहां पर एक नैनी ट्रेडर्स करके शॉप है, तो वहीं पर हम आ चुके हैं और सेलेक्ट करते हैं घर के लिए। ये रही पास में हमारी गाड़ी, सामने रखी हुई हैं ईंटें, हम उसके पास जा रहे हैं। देखिए सरिया वरिया कितना उतरा हुआ है यहाँ पर, तो हमारा कंस्ट्रक्शन का मटेरियल भी यहीं से आता है लगभग नैनी ट्रेडर्स करके हल्द्वानी में एक शॉप है इनकी। तो आज घर के लिए सेलेक्ट करनी है ईंटें, तो आ चुके हैं हम ईंटों के पास में, सेलेक्ट करते हैं उसके बाद निकलेंगे घर को। सामने देखिए ईंटों का भंडार, काम तो यहाँ पर हमारा हो गया है और ईंटें हमने देख ली है, अब सीधे निकलेंगे घर की तरफ। तो निकलते हैं हम लोग घर की तरफ को। तो दोस्तों हम लोग पहुंचे हैं अभी भीमताल पे, पेट्रोल फिलअप करवा रहे हैं, तो पेट्रोल यहाँ से डलवाते हैं फिर निकलेंगे घर को, लगभग 1 घंटा और लगेगा हमें। और पेट्रोल चल रहा है यहाँ पे 93 रुपये लीटर, और आपके यहाँ क्या चल रहा है अगर आप शहरों से हैं, अलग अलग स्टेट से हैं, जहाँ से भी आप हैं, आपके यहाँ पर क्या चल रहा है पेट्रोल, हमें कमेंट में शेयर करिएगा। तो निकलते हैं यहाँ से, लगभग 1 घंटा और लगने वाला है। तो फाइनली फ्रेंड घर पर पहुँच चुके हैं, करीब 9 बजे का समय हो रहा है, और पुष्कर के लिए जो साइकिल लाए थे वो मस्त अभी यहाँ पे चला रहा है, देखिए। तो घर पर पहुँच चुके हैं, आराम से खाना वाना खाते हैं, और आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर शेयर करिएगा। और नज़ारे अभी ऐसे आ रहे हैं पहाड़ों से, रात के 9 बजे का समय हो रहा है। तो ये था हमारा दिन भर का ब्लॉग, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।